नमस्कार दोस्तों, फिर से मेरे नए वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बहुत दिनों से मेरे जो सब्सक्राइबर थे वो बार बार हमसे पूछते थे कि सर गोड्डा पीरपैंती का जो रेल लाइन का जो काम है वो कब से शुरू होने वाली है। तो दोस्तों आप सबको बता दें कि कल ही मुझे एक नई जानकारी मिली है जहां पर उस अपडेट में ये बताया गया है कि गोड्डा और पीरपैंती का जो कार्य है वह अब जो जमीन का जो अधिग्रहण का जो कार्य है वो आगे बढ़ चुका है। तो दोस्तों आज के वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सबको कई सारी जानकारी मिलेगी, किस जगह का जमीन जाने वाला है, कितने रैयत का जमीन जाएगा, वो सारा डिटेल्स आज किस वीडियो मिलने वाला है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। उससे पहले गाइस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे आप सबको हमेशा ट्रेन से जुड़ी जानकारी मिलती रहती है। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। बिहार झारखंड के बीच ट्रेन चलाने का कार्य तेजी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, गोड्डा पीरपैंती के बीच जो न्यू ट्रैक का निर्माण होना था उसके लिए जो जमीन अधिग्रहण का जो कार्य है वह अब शुरू होने वाली है। आप सबको सबसे पहले हम स्क्रीनशॉट लगा देते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इस खबर को आज के न्यूज़पेपर में भी दिया है, क्योंकि दोस्तों कई सारे सब्सक्राइबर्स होते हैं जो बोलते हैं कि आप फेक न्यूज देते हैं। दोस्तों आप सब देख सकते हैं इस जानकारी को न्यूज़पेपर में भी दिया गया है। आइए आप सबको डिटेल से सब कुछ बताते हैं। वही दोस्तों इस रूट के बन जाने के बाद भागलपुर और रांची के बीच ये तीसरा रूट हो जाएगा। बहुजल पीरपैंती गोड्डा के बीच जो न्यू ट्रैक बिछने वाली है उसका जो जमीन का अधिग्रहण का कार्य है वह आप सबको हमारे चैनल के माध्यम से सारा जानकारी देखने को मिलेगा। परियोजना के लिए अब प्लॉट का सर्वे होगा। इसी माह भू अर्जन विभाग के अधिकारी व अमीन प्लॉट के निरीक्षण करने जाएंगे। परियोजना के लिए चिन्हित चार मोजे के 241 खसरों की स्थलीय जांच की जानी है। और दोस्तों इसके लिए पीरपैंती अंचल की 61.5 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया जाएगा। सर्वे शुरू करने से पहले भू अर्जन विभाग के पीरपैंती के अंचल अधिकारी को लैंड रिकॉर्ड्स उपलब्ध कराने को कहा गया है। वही दोस्तों अधिकारियों का कहना है कि पीरपैंती और गोड्डा के बीच कुल 68 किलोमीटर न्यू ट्रैक का निर्माण होना है, जिसमें से 8 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिहार राज्य में पड़ने वाली है। वही दोस्तों आज के इस अपडेट में आप सबको बता दें कि झारखंड साइड से जमीन अधिग्रहण का जो कार्य है वह शुरू हो चुकी है, अब बिहार की तरफ से भी शुरू कर दिया जाएगा, यानी रेलवे ट्रैक का जो निर्माण है दोनों साइड से होने वाली है। वही रैयतों को मुआवजा भी दिए जाने लगा है। 2014 में जसीडी गोड्डा पीरपैंती रेल लाइन नामक परियोजना तैयार हुई थी, इसे तीन फेज में पूरा किया जाना था। तो दोस्तों आपसे बता दें जसीडी गोड्डा पीरपैंती तीन फेज में पूरा होना था। फर्स्ट फेज में जसीडी से गोड्डा तक रेलवे ट्रैक जुड़ गई। वही दोस्तों अब सेकेंड फेज में गोड्डा से मेघामा और थर्ड फेज में मेघामा से पीरपैंती रेलवे ट्रैक बिछाई जाएगी, जिसमें पहले फेज के तहत गोड्डा महागामा के बीच 28 किलोमीटर पटरी बिछाई जाएगी। तो चलिए दोस्तों आप सबको बताते हैं कि गोड्डा के किस क्षेत्र होकर रेलवे ट्रैक को बिछाई जाएगी। गोड्डा में देरा, मछिया, सिमरंडा, बेसाडी ये वो गांव है जहां से रेलवे ट्रैक गुजरने वाली है। गाइस आज की इस वीडियो से आप सबको कई सारी जानकारी मिला होगा, तो वीडियो को कर लीजिए लाइक, वीडियो को कीजिए शेयर ताकि सभी लोगों को यह जानकारी पता चल सके। और चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे आप सबको ट्रेन से जुड़ी जानकारी हमेशा मिलते रहती है। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।